आइए हम आप लोगों को एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बताने चल रहे हैं जिससे आप लोगों का जो है बहुत सारा समय बचने वाला है आगे चलकर। तो देखिए, किसी द्विघात समीकरण को हल करने का हम जो है मेथड बताएंगे आप लोगों को। बस कुछ मिनट यहाँ हमको देना है और आगे आप लोगों का जो है हजारों मिनट बचने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आखिर वो कौन सा कंसेप्ट है, वो कौन सा ट्रिक है जिससे आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। तो आइए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस कुछ देरों में हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनटों सेकंडों में बना जाएंगे, ठीक है? तो देखिएगा, हम लोग स्पेशल ट्रिक के तहत आपको जो है बताने सिखाने चल रहे हैं, शायद आपको जो है ये बहुत काम आने वाला है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 8 = 0, इसको कहा है कि हल कीजिए, यानी इसके शून्य ज्ञात कीजिए। एक मतलब यह हुआ कि इसके मूल पूछ रहा है, इसका मूल कहे या शून्य कहे, यानी नंबर ऑफ रूट्स फाइंड आउट, रूट्स या सोलूशन जो भी हो ये क्या करता है, पूछता है इस तरह से। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन है x² + 6x + 8 = 0। तो ध्यान देंगे विद्यार्थी, x² का गुणांक कितना है, 1 है। x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो गुना कर लीजिए, ये फर्स्ट और लास्ट, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8। यहाँ जरा सा ध्यान देंगे आप, 1 * 8 = क्या आया है आपका, 8, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, प्लस 8। अब 8 को, यानी 8 को ऐसा दो पार्ट में तोड़ लीजिए जिसको जोड़ने पर आपको +6 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए, +6 आ जाए। तो इसके अगले, लेकिन गुना करने पर 8 ही रहे, लेकिन गुना करने पर 8 ही रहे, तो 4 * 2 = 8, तो +4 + +2 कितना हो गया, +6। तो जोड़ने पर +6 आ गया, लेकिन गुना करने पर कितना हो गया, 8 हो गया। तो आइए हम अब क्या करते हैं, असली चीज शुरू कर रहे हैं। आपको परंपरागत मेथड से नहीं बनाना है, आपके लिए नए ट्रिक नए कंसेप्ट लाए हैं हम, समय के अनुसार ऑब्जेक्टिव के दौर में नए नए कंसेप्ट तो सीखना पड़ता है ना, ताकि समय बचे और ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको आ सके। तो देखिए, तो ये 6 कैसे आएगा, तो दरअसल 6 आया है +4 और +2 करने से, +4 + 2 + 6 हो जाएगा। साइन का भी ख्याल करेंगे, अब इसका गुणांक कितना है, 1। जब 1 गुणांक रहे तो इसके नीचे कुछों से भागा देने की आवश्यकता नहीं है। 1 के अलावा अगर कुछ यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी रहे तो उससे आपको भागा दोनों में करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ है 1, अतः 1 से भागा देकर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं इसका। अब डायरेक्टली आपके जो मूल हो गए, रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स, इसी को कहते हैं सोलूशन। इसी का हो गया नंबर ऑफ सोलूशन, हलों की संख्या, या यही कहेंगे हल, या फिर आपका मूल पूछता है बताइए इसका मूल कौन होगा, इसका हल कौन होगा, इसका शून्य कौन होगा, और जो भी हो इस तरह पूछता है। तो आइए देखिएगा, इसका शून्य जो हो जाएगा, जब आंसर देने चलेंगे तो इसका साइन बदल देंगे, तो इसका आंसर +4 है तो क्या हो गया, -4, और +2 है तो -2 हो गए, आंसर हो गए, इस द्विघात समीकरण के आंसर ये आपके हो गया, हल कर दिए हम लोग। अब हम लोग लगले हाथ दूसरा नंबर देख लेते हैं। देखिएगा, एकदम कुछ समय आप हमारे साथ बने रहिए और आपको जो है बहुत फायदा पहुंचने वाला है। आप आज जो है आप 2 4 मिनट यहाँ समय दे दीजिएगा, तो आगे चल के 2000 4000 मिनट आप बचाइएगा। 2 4 मिनट यहाँ पे देने से आपको कितना हजार मिनट बचने वाला है। अतः विद्यार्थी आइए दूसरा नंबर देखते हैं, अब डायरेक्ट बना देते हैं। अब देखिए, इसका यहाँ पे कोफिशियंट कितना हो गया, 1, तो 12 एकम 12, लेकिन ध्यान देना है कि यह है -12, -12, तो -12 एकम -12 होगा, तो गुना करने पर आपको -12 होना रखना पड़ेगा। तो याद रखिए, गुना यहाँ पे गुना करने पर कितना चाहिए आपको,
गुना करने पर चाहिए माइनस 12, लेकिन उसको ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर एक एक्स वन वन कै गो एक्स चाहिए, एक एक्स चाहिए। अब देखिएगा इसको अपना पार्ट बाई पार्ट कर लीजिएगा, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 12। तो अब देखिए तो 6 × 2 = 8 हमको तो लाना है, 1 हुआ नहीं, घटाइएगा 4 होगा नहीं, 12 × 13 तो होगा नहीं, घटाइएगा 11 तो होगा नहीं, 4 × 3 = 7 जोड़ने पर फायदा नहीं, घटा लेंगे 4 × 3 = 1 तो 1, लेकिन 1 है प्लस 1 की माइनस 1 दोनों में अंतर होता है ना, तो प्लस 1 तो प्लस 1 होता है तो प्लस 1 कैसे आएगा, और ऐसा होगी घटाना है तो कोनो कोनो को माइनस रखना ही पड़ेगा और माइनस में भी चाहिए। तो अब देखिएगा यदि आपको प्लस में चाहिए तो बड़का के आगे प्लस कर दीजिए और छोटका में क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, बड़का में क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, बड़का में क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, छोटका में माइनस कर दीजिए। अब बताइए गुणा करके देखिए तो प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 - 12 है, और घटाने पर प्लस 4 में से माइनस 3 गया तो प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणांक कितना था, 1 था, तो 1 है ना, तो कुछ भी इसमें नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपके मूल कौन हो जाएंगे, तो आपके मूल हो जाएंगे साइन चेंज करके देंगे आंसर में। तो प्लस 4 है तो क्या हो गया आपका माइनस 4, और माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस 3 प्लस 3, ऐसे भी प्लस छुपा रहता है, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके शून्यकों का समुच्चय निकल गया, ऑप्शन में ही आपका इंतजार कर रहे होंगे, देखते ही बना लेंगे आप। अब देखिएगा हम यहाँ पे 4 नंबर पर करते हैं, 3रा नंबर देख रहे हैं, ध्यान देंगे आप हमारे साथ पूरे वीडियो जो है देखते रहे बने रहे, और बीच में भागिएगा तो आधा अधूरा जानकारी जो है आपके मिल पाएगा, जिसके वजह से आप कंफ्यूजन में लगे रहिएगा। अतः पूरा वीडियो थोड़ा बर्दाश्त करके अपने आप को देख लीजिए, आपका जो है जीवन संवरने वाला है। देखिएगा 3रा नंबर, 6 × 3 क्या हो जाएगा 18, 6 × 3 क्या हो जाएगा 18। अब देखिएगा 18 को मुहा मोहित क्या बार बार लिखा जाए, मन तो है तो कुछ सोच सकते हैं, इतना अच्छा निमन जो है सोचते रहते हैं तो ये तो सोच ही सकते हैं ना। 6 × 3 = 18, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 11। अब देखिएगा प्लस करने से प्लस 11 आ जाएगा, तो प्लस 2 और प्लस 9, बोलिए 9 × 2 = 18 भी हो गया, जोड़ने से 11 भी हो गया। अब लेकिन यहाँ पे सावधानी आपको बरतना है, यहाँ पे इसका गुणांक कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, एक से कहे ना एक के अलावा जो होगा तो उसके बाद जो है नीचे डिवाइड कुछ करना होगा, इस सब दोनों जो पढ़ाए उसमें कॉफिशियंट 1 था एक्स स्क्वायर का, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट यानी गुणांक कितना है 3 है, अतः दोनों में क्या करेंगे हम लोग डिवाइड क्या करेंगे 3 से देंगे, 3 से 3 में क्या करेंगे दोनों में भागा कर लेंगे, इसी से जो फर्स्ट में है ना उसी से दोनों में कटने वाला होगा तो उसको कटा लीजिएगा, क्या दिक्कत है, जो नहीं कटने वाला उसको छोड़ दीजिएगा। अब बस अब बहुत हो गया, मूल लिखिए, मूल लिखिएगा तो साइन चेंज करके लिखिएगा, ध्यान रखना है। तो प्लस 2/3 है तो क्या हो जाएगा माइनस 2/3, आ ये है प्लस 3, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस 3 हो गए, हो गए शून्यकों के समुच्चय हम लोगों का हो गया निकल गया, आप जो है आपका आंसर हो गया। आप जानबे करते हैं कि द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण के कैगो मूल होता है, 2 मूल होता है, 2 मूल है कि नहीं बताइए, 1 गो 2 गो। 4 नंबर पर आ जाइए, अब देखिए 4 नंबर है रूट वाला, बहुत विद्यार्थी सब जो है रूट को देख कर घबराए रहता है, हड़बड़ाए रहता है कि रूट मिल गया अब कैसे होगा, अरे कैसे होगा, जिस तरह ये सब हुआ वैसे ही हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहले गुना कर लीजिए फर्स्ट और लास्ट को, तो 3 × 2 = 6, यहाँ पे 3 × 2 पहले 6 हो गया, √2 से √2 में कीजिएगा तो 2 मिल जाएगा आपको, √2 से √2 में कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 3 × 2 = 6 और गुना √2 × √2 तो 2 हो गया, 6 × 2 कितना आ गया 12 आ गया, 6 × 2 = 12, 12 को तोड़ के क्या कर देना है, गुना करने पर 12 ही रहे, जोड़ने या घटाने पर 13 हो जाए, तो अब सोचिए आप, तो 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 13 को तो पकड़ लीजिए, तो प्लस 12 और प्लस 1, प्लस 12 और प्लस 1 करने से कितना हो जाएगा प्लस 13, 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ गुणांक एक्स स्क्वायर कितना दिया है 3√2 है, और इससे आपको डिवाइड करना होगा दोनों में, एक रहता था कोई बात नहीं, लेकिन इसके अलावा एक से बड़ा होता तब कोई बात हो जाता, तो यहाँ पे कोई बात हो गया, यानी 3√2 से जो है दोनों में क्या करना होगा आपको बटा में यानी भागा कर देना
होगा। देखिएगा ये तो कटने की गुंजाइश नहीं है, यही लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ कटने का गुंजाइश है। कटाइए तो तीन चौका बारह हो गया, तीन चौका बारह हो गया, चार के तोड़िएगा दो दूनी चार, दो दूनी चार, तो एगो दो में, एगो दो में दो गो रूट दो होता है, एगो दो को तोड़िएगा तो रूट दो गुने रूट दो होगा। अब एगो रूट दो से काटिएगा इसको, तो एगो तो आपका दो बच रही रहेगा, आ एगो दुआ में जो है दो गो रूट दो है, एगो रूट दो कट गया तो एगो रूट दो बच गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, हम लोग का दो रूट दो हो गया, यहाँ पे एक बटा तीन रूट दो हो गया। अब देखेंगे यहाँ जो शून्य हो जाएंगे ना, शून्य किस विघात समीकरण के शून्य के लिए मूल जो हो जाएंगे, यही क्या हो जाएंगे, मूल कहिए या रूट्स कहिए, जो भी कहना है कहते रहिए। अब देखिएगा इसका शून्य या मूल जो होगा कौन हो जाएगा, तो आप साइन लिख दीजिए, तो प्लस दो रूट दो है तो हो गया यहाँ पे माइनस दो रूट दो, और यहाँ पे क्या होगा माइनस एक बट्टा तीन रूट दो बन गया। मिनटों का काम सेकेंडों में हो जाएगा, इसको बार बार अभ्यास कीजिएगा ना, तो और ज्यादा इजी में आपको कुछ लिखने का जरूरी ही ना पड़ेगा, हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए कुछ कुछ लिखना पड़ रहा है। अब देखें पांच नंबर क्या हो रहा है, पांच नंबर जो है देख लीजिएगा, पांच नंबर एक माइनस वाला आ गया, क्या आ गया माइनस वाला, कि यहाँ भी सिखा दिए थे कि यहाँ भी दे दिए हैं, ये सब एक्स में था तो कहेंगे वाई वाला में दे देते हैं, विद्यार्थी सबको बदल देते हैं, तो छह चौका चौबीस, छह चौका चौबीस हो गया, तो चौबीस को ऐसे दो पार्ट में तोड़ा जाए कि जोड़ने पर जो है, जोड़ने या घटाने पर माइनस चौदह चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए माइनस चौदह, होश में रहना है। तो छह चौका चौबीस आ बारह दूनी चौबीस, बारह को दो को कितना होता है चौदह होता है, बारह दो चौदह, लेकिन चाहिए माइनस चौदह, इसका मतलब ही तो ये होगा कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुना कीजिएगा माइनस से माइनस में तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा माइनस हट जाएगा, लेकिन वही जोड़िएगा माइनस तीन और माइनस दो तो माइनस पाँच हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा और जुट भी जाएगा, अतः आपका जो है सबसे बढ़िया हो गया माइनस बारह और माइनस दो, बारह दूनी चौबीस, चौबीस बारह दूनी चौबीस माइनस माइनस प्लस चौबीस हो जाएगा, और बारह को दो गो चौदह को माइनस चौदह भी हो गया, इसका गुणांक कितना है छ है, तो बाटा छ, बाटा छ काट दीजिए, दो तिहाई छ आ छ दूनी बारह, जब आप देंगे इसका मूल लिखेंगे ना, यानी हल लिखेंगे शून्यक लिखेंगे तो क्या करेंगे चिन्ह बदल के दे देंगे, तो माइनस दो है तो प्लस दो हो जाएगा, और यहाँ से एक हो जाएगा ना, दो एक कम दो तिहाई छ, तो यहाँ पे एक बटा माइनस बटा तीन था, तो अब क्या हो गया प्लस एक बटा तीन, ये आपके शून्यकों के समुच्चय निकल गए, ब्रैकेट दीजिए या ना दीजिए जैसा ऑप्शन है वैसा निर्णय लीजिए। तो ये बन गया पांच क्वेश्चन हम बना दिए, एक छठा नंबर क्वेश्चन आपके हवाले कर दिए हैं, आप इसको बनाइए और जो है हमको बताइए कि आपका आंसर कितना आया कमेंट बॉक्स में, ताकि देखे ताकि समझ सके कि आप लोग इसको अच्छा से सीख लिए, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमको जो है संपर्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि फिर से आपको हम समझा सके अच्छा से। इसके बाद जो है बहुत विद्यार्थी को रूट वाला प्रॉब्लम रहता है, तो हम इसके आगे हम लोग का जो वीडियो आने वाला है जस्ट ही, और उस जो है उसमें जो है विभिन्न प्रकार के रूट वाला जो है द्विघात समीकरण को तोड़ना और उसका मूल निकालना आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।